ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए, ये मांग उठाई। और नियोजन इकाइयों का जो मकर जाल बिहार के भीतर 9,000 से ज्यादा बिछा हुआ है, उसको सॉर्ट आउट करके एक रास्ता बनाइए। और साथ ही साथ जो 2020 की सेवा शर्त नियमावली थी, उसमें जो प्रावधान किया गया था नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का, उसका रास्ता आप क्लियर कीजिए। ये प्रमुख मांग हम लोगों ने सरकार को लिखित में दिया। और कुछ दिनों बाद जब फीडबैक लेने हम वहां पहुंचे, तो हमने इत्तला की कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। तो हमें यकीन नहीं था कि राज्य कर्मी वाला भी मांग सरकार ने मान लिया। लेकिन जब बाद में ये पता चला, जब नई नियमावली खुल करके सामने आई, तो ये शुरुआत में तो हमें अच्छा लगा कि नई नियमावली में राज्य कर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया गया। शिक्षा व्यवस्था के भीतर जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा, तब तक शिक्षा में बेहतरीन क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, ये हम लोगों की प्रमुख मांग थी। और जब हमें लगा कि नियमावली में इस मांग को मान लिया गया, तो हमें लगा कि बढ़िया कदम होगा। लेकिन जब उसका ड्राफ्ट सामने हमारे आया और हमने पूरी ड्राफ्ट पढ़ी, तब ये बहुत खुल करके हमें समझ में आया कि इसमें बहुत एक अद्भुत तरीके का कंडीशन सरकार ने लगा दिया। और वो कंडीशन था कि पुराने शिक्षक जो बिहार में नियोजित हैं, उन सबको बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, तभी वो राज्य कर्मी बन पाएंगे। इसके साथ साथ 4 साल से जो छात्र नई बहाली के 7वें चरण की बहाली के इंतजार में हैं, उन छात्रों को भी परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और इसमें कई तरह के संशय सामने आए, इसीलिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक में उन तमाम बिंदुओं को हम लोग सुनेंगे, उसको संग्रहित करेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात जरूर उसमें है कि नई नियमावली में जो स्टेक होल्डर्स शिक्षा विभाग के तहत आते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जिनके जिनके ऊपर इसका प्रभाव होगा, जिनके ऊपर इनका असर होगा, जैसे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक या बिहार में सीटेट बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण जितने अभ्यर्थी हैं वो, तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो इच्छा है वो सरकार सुने, इनके जो कंसर्न है उसको सरकार सुने। और इसलिए शिक्षा के अंदर ये जो नई नियमावली आई है, इसमें परीक्षा का प्रावधान किया गया है, हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे इस पर पुनर्विचार हो। इस तरीके से 4 सालों के इंतजार को आप अचानक से बदल नहीं सकते हैं। खेल के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकता। स्टेट 2019 की परीक्षा से बिहार में पहले से ही शारीरिक शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं, 1 साल से कार्यरत। उसी परीक्षा से जो अन्य विषय के छात्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए एक पैटर्न सबके लिए होना चाहिए। और इसलिए सरकार की अगर कोई चिंता है कि हमें परीक्षा लेनी है, तो आप 7वें चरण की नियुक्ति पहले कीजिए, उसके बाद आप पहले से इस बात की घोषणा करके रखिए कि हमें परीक्षा लेनी है, तो परीक्षा देने में किसी को कोई इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार की चिंता जो दिखने में लग रही है, और एक हिस्से में ये बात जा रहा है कि सरकार शायद शिक्षा विभाग में गुणवत्ता को लेकर के कंसर्न है, तो ये कंसर्न से हम लोग का कोई ऐतराज नहीं है। गुणवत्ता निश्चित तौर से उसमें होनी चाहिए, और इसीलिए शिक्षा के भीतर क्वालिटी को मजबूत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ प्रमुख चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के पास इतने तरह के काम सरकार ने पहले से दे रखे हैं कि वो साल में आधा समय शिक्षकेतर कार्यों में लगे रहते हैं, शैक्षणिक से इतर काम जो है उससे काम उस काम में लगे रहते हैं। तो इस चीज पे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है, उस काम को सरकार को उनसे नहीं करवाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी बिहार के भीतर जातीय जनगणना चल रहा है, हाईकोर्ट ने पहले ही कहा है कि इस तरह के कार्य शिक्षकों से न लिया जाए,
और इसके लिए पहले से ही सरकार ने एक बहाली कर रखी थी सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ की, वो तमाम छात्र जो हैं वो आज अपने रोजगार को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 1.5 साल काम किया था और अच्छा काम करने के बावजूद उनको हटा दिया गया। तो जो काम शिक्षकों का था, पढ़ाने का काम, उनसे सिर्फ वही लिया जाए। जो काम सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के छात्रों का है, उनसे उनका काम लिया जाए ताकि उनका भी रोजगार चले। तो इस तरह के और भी कई सारी मांगे हैं, जैसे स्कूलों के अंदर मूलभूत ढांचे की बात, जैसे स्कूलों के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात, ये तमाम चीजें। तो इसलिए सरकार से हम ये मांग करेंगे, एक डेलीगेशन हमारी पार्टी का महागठबंधन के घटक दल और जो हैं उनसे हम लोग मीटिंग करेंगे जल्द ही, और उनसे बात करके एक ठोस प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से बात इस पर होगी और बात करके हम लोग अपना डिसएग्रीमेंट जो हमारा है वो हम लोग उनसे साझा करेंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो बहाली है वो बगैर परीक्षा के हो और अभी से सरकार घोषित कर दे अगर आत्मनिर्भर के लिए इनको कोई और कुछ करना है। तो यही बात हम लोग करेंगे और आज की बैठक में हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों का इससे इतर अगर कोई और कंसर्न है तो उसको यहाँ सुना जाएगा, उसको नोट डाउन करेंगे और उसको फिर हम लोग आगे जनरलाइज करके सरकार में। यही आज का मीटिंग का मीडिया के साथियों के लिए एक ब्रीफ रिपोर्ट है। देखिए, हमने कोई चयन नहीं किया किन किन शिक्षक संघ को बुलाना है, इसमें कोई चयन का आधार नहीं। जितने भी शिक्षक संघ हैं बिहार के अंदर, नियोजित शिक्षक संघ, जिनका कॉन्टेक्ट का नंबर हमें जुगाड़ होता है जहाँ काम कहीं से तलाश सके, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। उसमें से अधिकांश लोग आए हैं, कुछ लोग साथी अभी आ रहे हैं। तो शिक्षकों की बैठक इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से अधिकांश जो हैं वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो ST ET पास अभ्यर्थी। कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।